बड़ी वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग मोड में तो आप बन जाते हो किंग, राइज स्टार बन जाते हो, बहुत ही तगड़े हेडशॉट मारते हो, लेकिन जब रैंक में और कस्टम में जाते हो तो आप लोग को बंदे कुत्ते की मौत मारते हैं एंड आप लोग एक भी किल नहीं कर पाते, साले कुत्तों की जिंदगी। सो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपके बंटे पड़ेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो फटाफट वीडियो को पूरा देखना एंड भाई जो भी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, जैसे आपके ट्रेनिंग मोड में या फिर जैसे मैं भी मार रहा था वैसे वैसे आप लोग बंटे और भाई ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। तो वीडियो को गाइस ऑब्वियसली पूरा देखना एंड हां गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एक तो लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे। सो गाइज बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिक बताने वाला ये होने वाली गाइज फायर बटन के ऊपर। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको फायर बटन का साइज ऐसे करना है, फायर बटन को ड्रैग ऐसे करना है वैसे करना है, कैसे अपने फायर बटन को ड्रैग करना है, रोटेशन करना है, ऊपर से करना है, नीचे से करना है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फायर बटन को फायर कैसे करना है। काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं गाइज, कल के वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कमेंट देखे थे कि यार हम हेड नहीं मार पाते हैं, ना तो EMP से मार पाते हैं, ना ही वन टैप मार पाते हैं। देखो गाइज सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आज तक की, ठीक है, किसी ने नाम नहीं बताई होगी आप लोग को। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक फायर बटन दिखाता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख। सो गाइज यहाँ पर आप लोग मेरे फायर बटन को देखो कि जब भी मैं हेडशॉट मारता हूँ तो कैसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि पहले बड़ा होता है, उसके बाद क्लिक करके ऊपर खींचते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब मैं आपको इसका मेन पॉइंट बताता हूँ कि ये चीज़ दिखाने का क्या मतलब है। देखो गाइज जब आप लोग फायर बटन के सेंटर से क्लिक करके आप लोग ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट पड़ता है, या फिर सेंटर से क्लिक करके यानी कि फायर बटन का एकदम सेंटर है वहाँ पर क्लिक करके रोटेशन ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट पड़ता है। लेकिन गाइस अगर आप लोग एक गलती करते हो कि आपका जो फायर बटन है उसके किनारे पे आप लोग टच करते हो यानी कि किनारे पे अंगुली टच करके ड्रैग करोगे तो आपका गाइस हेडशॉट नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से आपके वन टैप नहीं पड़ते। ये मेन चीज़ में आपको एक पहला पॉइंट यही था गाइस, किसी को बोलना नहीं। तो गाइस देखो आपको अभी कुछ नहीं करना, फटाफट जाना है अपने कस्टम HOD में एंड अपने फायर बटन का साइज देखना है कि कितना है। देखो आप लोग जितना फायर बटन का साइज छोटा रखोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा कि जब आप लोग वन टैप मारने जाओगे तो फायर बटन के सेंटर में क्लिक नहीं होता है, और सेंटर में जब क्लिक नहीं होता तो आपका वन टैप नहीं पड़ता है। मतलब पड़ता भी है तो एक दो गोली पड़ती है, जैसे कि 65 का पड़ गया, इतना सारा थोड़ा बहुत पड़ता है। तो गाइस सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट मेथड यही है कि आपको कभी भी अपने फायर बटन के साइज को सबसे पहले तो छोटा नहीं रखना है, जितना आपको कंफर्टेबल हो, जितना आपका जो थंब है पूरा मतलब पूरा आ जाए आपका थंब, और फिर आपको क्या करना है एकदम सेंटर से मतलब जो आपका थंब है उसके एकदम सेंटर से आपको ड्रैग करना है ऊपर, वो भी रोटेशन। आपका भाई कसम से बहुत ही तगड़ा हेडशॉट पड़ेगा एंड जो मैंने चीज़ बताई है ना इसको आप लोग जाओ फटाफट कस्टम HOD को करो, मतलब जो फायर बटन की साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, सेंटर से अपने फायर बटन को रोटेशन करके ऊपर देखो ट्रेनिंग मोड में जाकर आपके हेडशॉट पड़ते हैं या फिर नहीं। सो गाइस आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये ट्रिक काम करती है या फिर नहीं। तो थैंक यू गाइस एंड बाय।